तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो तीन उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था, और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और दो तीन लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मारन जी पूछ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं, एक बार ये भी खड़े हो गए। इसी किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी? और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, चार बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की, हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थ नीतिक उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए न वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।